तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका भाई अक्कू और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अक्कू इंजीनियरिंग फैमिली में। तो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू जॉब अपडेट वैकेंसी लेके आया हूं। ये जॉब वैकेंसी दोस्तों, ये दोस्तों बहुत बड़ी MNC कंपनी है, टेक्ट्रोनिक्स कंपनी है। और दोस्तों, यहाँ पे भर्ती निकली हुई है। आपने ITI क्या हो, डिप्लोमा क्या हो या फिर BTECH क्या हो दोस्तों, अगर आपके पास पहले से 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर दोस्तों अभी अभी आप कॉलेज से पास आउट हुए हो, अभी अभी आप फ्रेशर हो मतलब, तो आप यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। बहुत बड़ी MNC कंपनी है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपको जॉब लगती है तो आपके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे जॉब लग जाती है तो आप इंडिया के साथ साथ दोस्तों आप किसी और अदर कंट्री में जाने के लिए मतलब रेडी हो जाओगे। आप वहाँ पे जाने का आपको मौका मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह की फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए रेगुलर बेस पर लाते रहता हूँ। दोस्तों, आपको एक ही चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे वैकेंसी निकली है, कंपनी का नाम है टेक्ट्रोनिक्स। यहाँ पे साफ साफ लिखा है दोस्तों, वी आर हायरिंग, पोजीशन का नाम दिया हुआ है डिजाइन इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, डिस्पेच कोऑर्डिनेटर, स्टोर असिस्टेंट। और दोस्तों, यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है BE या फिर BTECH या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर दोस्तों आपका BE या फिर डिप्लोमा या फिर ITI होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए। दोस्तों, एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 से 4 ईयर के बीच आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे सारा कुछ दिया हुआ है, मैं एक एक चीज़ों के बारे में पोस्ट और क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस सारा चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे पहला है दोस्तों आपका पोजीशन डिजाइन इंजीनियर। डिजाइन इंजीनियर के लिए आपके पास दोस्तों क्वालिफिकेशन आपका BE या फिर BTECH होना चाहिए या फिर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और दोस्तों, एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 से 4 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगली जो पोजीशन है दोस्तों आपका क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर या फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल मतलब इंस्पेक्टर। यहाँ पे दोस्तों आपका क्वालिफिकेशन देखा जा रहा है आपका BE और डिप्लोमा या फिर ITI। यहाँ पे दोस्तों वैसे यहाँ पे आपका ब्रांच यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, आपको यहाँ पे कौन सा ब्रांच देखने को मिलेगा, आपका कौन सा ब्रांच होना चाहिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब आपका कोई भी ब्रांच हो यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे एक्सपीरियंस यहाँ पे 0 से 1 ईयर के कैंडिडेट यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल है, मतलब आप फ्रेशर हो या फिर आपके पास पहले से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप आने के लिए एलिजिबल हो। उसके बाद दोस्तों अगला जो पोजीशन है आपका डिस्पैच कोऑर्डिनेटर। अगर आपको पता नहीं है दोस्तों डिस्पैच कोऑर्डिनेटर क्या होता है तो आप हमें कमेंट करो, मैं अगला वीडियो में आपको एक फुल्ली डिटेल्स इस वीडियो में मतलब अगला वीडियो आने वाला है उसमें आपको पूरा तरह से समझा दूंगा कि डिस्पैच कोऑर्डिनेटर क्या होता है। यहाँ पे पोजीशन है डिस्पैच कोऑर्डिनेटर आपका दोस्तों। यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका किसी भी स्ट्रीम से आपका दोस्तों, किसी ब्रांच से आपका दोस्तों ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका BTECH या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ऐसा कुछ नहीं, आपका BA या मतलब नॉन टेक्निकल से भी हो तो भी आप यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपका फ्रेशर होना चाहिए आपके पास, मतलब फ्रेशर हो या फिर आपका 1 साल का पहले से एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आने के लिए एलिजिबल हो। और दोस्तों, यहाँ पे अगला जो वैकेंसी है स्टोर असिस्टेंट के रूप में है। और दोस्तों, यहाँ पे भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, साफ साफ यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। और दोस्तों, यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें तो फुल्ली फ्रेशर 0 से 1 ईयर्स के बीच यहाँ के कैंडिडेट आने के लिए एलिजिबल हैं। और दोस्तों, ये कंपनी टेक्ट्रोनिक्स कंपनी है और बहुत ही अच्छी और बहुत बड़ी MNC कंपनी है। आप लोगों को मैक्सिमम चांस है दोस्तों यहाँ जॉब लग जाने का। यहाँ पे पूरा यहाँ पे कंपनी का नंबर भी दिया हुआ है और HR का नंबर है और साथ में HR का मेल ID भी दिया हुआ है, कंपनी का वेबसाइट भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, ये जो नंबर दिया हुआ है आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर साफ साफ दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको सबसे पहले एक अच्छा से रिज्यूम सेंड करना, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि 1 दिन तक वेट करना है, कोई भी रिस्पांस वहाँ पे नहीं आता है तो आपको वहाँ पे कॉल लगा देना है। दोस्तों, नीचे mail ID भी दिया हुआ है, आप दोनों पे अपना रिज्यूम सेंड करो, 1 दिन तक वेट करो और अगला दिन आपको उनको कॉल लगाओ। और कंपनी का वेबसाइट दिया हुआ है www.tektronicsindia.com और यहाँ पे भी आप जाकर विजिट कर सकते हो वैकेंसी के बारे में। और दोस्तों, ये कंपनी है ये दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इलेक्ट्रिकल से BE डिप्लोमा या फिर ITI क्या हो, इलेक्ट्रिशियन से क्या हो, तो आपको वहाँ पे इक्विपमेंट से दोस्तों प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों और मिस मत करना, मैं ही कहता हूँ। मैं तो दोस्तों डेली वैकेंसी लाता ही हूँ, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप रेगुलर देखते हो नहीं, कि मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोस्तों आपको किसी ना किसी तरह से कहीं पर भी जॉब लग जाए। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था दोस्तों, सोचा कि आप लोगों को बता दें। और दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आता है ना आप में कमेंट करो, मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई देने की कोशिश क्या करता हूँ, या फिर दोस्तों आप में इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मैं थोड़ा देर लेट से रिप्लाई देता हूँ लेकिन रिप्लाई जरूर देता हूँ।
और कोई दोस्तों कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है ना, जैसे आपने जो मैंने नंबर बताया कॉल नहीं लगा, आगे क्या करना है, तो आप हमें बेहिचक वहाँ पे पूछा करो। मैंने इस कंपनी में आप बताया था, मैंने कॉल किया, फिर रिज्यूम सेंड किया, अभी तक रिप्लाई नहीं है। कोई भी तरह का प्रॉब्लम आता है किसी भी कंपनी से रिलेटेड, पुणे से रिलेटेड, तो आप हमें बेहिचक इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। मैं टाइम टू टाइम रिप्लाई देने की कोशिश क्या करता हूँ और देता भी हूँ दोस्तों। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए।